नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। तहसील भूमिपुर क्षेत्र के ततारपुर गांव का एक ऐसा मामला सामने आया जहां राशन समस्या के चलते सैकड़ों लोगों ने कोटेदार के खिलाफ जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि हमारे गांव में इम्तियाज अहमद नाम के कोटेदार वर्षों से राशन कम देते चले आ रहे हैं। जब हम लोगों ने इसका विरोध किया तो कोटेदार गाली गलौज करने पर आमदा हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जब इस संबंध में इम्तियाज अहमद कोटेदार से बात की तो पता चला कि ततारपुर गांव में अखिलेश कुमार नाम के एक व्यक्ति गांव के ग्रामीणों को बरगलाकर अधिकारियों को झूठा प्रार्थना पत्र देकर हमें काफी दिनों से परेशान कर रहा है। वहीं सैकड़ों लोगों ने कोटेदार इम्तियाज अहमद के पक्ष में उतरते हुए बताया कि चुनावी दौर के दौरान आपसी मतभेदों को लेकर अखिलेश कुमार इम्तियाज अहमद के ऊपर राशन कम देने व गाली गलौज का झूठा आरोप लगा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जब अखिलेश कुमार से बात की गई तो उनके साथ गांव के सैकड़ों ग्रामीणों के साथ महिलाओं ने भी कोटेदार इम्तियाज अहमद पर राशन कम देने के साथ साथ गाली गलौज देने की बात कही। जी हां, आपको बता दें, ग्रामीणों ने बताया कि वर्षों से राशन कम देने के चलते इम्तियाज अहमद का राशन कोटा 4 बार निलंबित हो चुका है। वहीं रुपए के दम पर अधिकारियों से साठ काट कर राशन कोटा बहाल कर लेता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सैकड़ों लोगों द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर कानपुर देहात के जिला अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। कानपुर देहात से इस वक्त की बड़ी खबर इंडियन प्राइम न्यूज पर जंग बहादुर सिंह के साथ। अरे आपका नाम क्या है? सुरजा देवी। तो ये तो अम्मा तुम राशन लेने गई, ये मैं नहीं गई हूँ। हम गए हैं। राशन मिलो? नहीं मिलो। कहाँ से लेने जाती हो? कहाँ से लेने जाती हो? नहीं जाते। नाम का होगा? इम्तियाज अहमद। तो उन्हें राशन काहे नहीं दियो तुम्हें? तुम्हें बताओ नहीं, मोदी सरकार योगी सरकार चल रही है, अंदर चले जाओगे। कब से दिक्कतें आ रही है? तो देख सकते हैं कैमरे के सामने बुजुर्ग माँ है जो लगातार बता रही है कि राशन उसे इस महीने नहीं मिला हुआ है। जब राशन लेने गए तो राशन नहीं मिला है, लेकिन उम्र के हिसाब से कुछ लौट आए हैं आप। तो हम आने लोगों से भी बात करेंगे कि पूरा मामला क्या है। तो कुछ तो भैया हमारे गांव घर किए हैं, जो घूंघट तो हमारी मर्यादा है, लेकिन इन मर्यादाओं को लेकर भी बात करते हैं कि घूंघट नहीं तो इस देश में कुछ नहीं है। बहन जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रेमति प्रजापति। कहाँ रहने वाली हो? ततारपुर। आज ये बताओ कि ततारपुर गांव में यहाँ पर राशन की समस्याओं को लेकर इम्तियाज अहमद के खिलाफ जिलाधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र दिया गया है। जी, दिया तो गया। क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि जब उनके यहाँ राशन लेने जाते हैं तो वो राशन नहीं देते। क्यों नहीं देते? गाली देते हैं। गाली देते हैं? हाँ, गरीब होने के कारण। किस तरीके से, मतलब परेशान कर रहे हैं आप लोगों को? 5 किलो मिलता तो 4 किलो देते, कभी 3 किलो। कब से दे रहे हैं? ये बहुत दिन से मामला चल रहा, हम लोग गरीब हैं इसलिए आवाज नहीं। जानकारी मिल रही उनका कोटा निरस्त हो चुका 4 बार। हाँ। कोटा बहाल हो गया। पैसे के कारण। अखिलेश कुमार। कहाँ रहने वाले हो? मदारीपुर ग्राम पंचायत ततारपुर। अच्छा, आज आप डीएम कार्यालय आप आए हुए हैं कुछ राशन संबंधी समस्या को लेकर, तो क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि हमारा जो पूर्व कोटेदार है, इसमें वर्तमान हो गया है इम्तियाज अहमद, 25 साल से कोटा चला रहा है और कम से कम 10 बार उसकी दुकान निलंबित हुई है और 4 बार दुकान उसकी निरस्त हुई है, लेकिन पैसे के कारण वो दुकान को दोबारा पुनः चालू करवा लेता है। अब हमारे जो ग्राम पंचायत के 250 लोग हैं, उनकी यहाँ इच्छा है कि हम उस कोटेदार के पास गल्ला नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्या दिक्कत आ रही है? गल्ला लेने से ये होता है, कल हमारे यहाँ से जो हमारे साथी गल्ला लेने गए उनके साथ विवाद हुआ, आज वो दो लोग उनके मुकदमा हो रहा है सट्टी थाने में। अगर कल हम भी गल्ला लेने जाएंगे तो हमारे साथ भी यही होगा कि हमारे साथ में या तो कोई धाराएं लगेगी या मुकदमा होगा या हमारे साथ मारपीट होगी, दिक्कत होगी। कितना राशन दे रहा है एक यूनिट में वो फिलहाल? और उसने राशन 25 सालों में अभी तक 4 किलो प्रति यूनिट का गल्ला दिया था, उसकी वजह से कोई शिकायत हुई थी। तो आपके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया तो क्या डीएम सामने कहा है कार्रवाई के लिए? उन्होंने बोला है कि अब इसको मैं दिखा लूंगा। क्या इसके पहले उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिए गए थे क्या? हाँ, इसके पहले प्रार्थना पत्र। उस दौरान क्या कार्रवाई की गई थी? दुकान इसकी निरस्त कर दी गई थी। अच्छा, अब आप लोग क्या चाहते हैं? हमारी इच्छा ये है कि हम इस कोटेदार के पास अपना राशन हम लोग नहीं लेना चाहते हैं, जो दूसरी दुकान है यहाँ पर संबद्ध उसके गोदाम में अपना गल्ला लेना चाहेंगे। कुमार मदारीपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा, आपके द्वारा यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय को 2-4 दिन पहले एक प्रार्थना पत्र दिया गया था कि गांव की समस्याओं को लेकर, राशन की जो समस्या थी, इम्तियाज अहमद के द्वारा गाली गलौज
असभ्य शब्दों का प्रयोग करने का मामला था। आज गांव में जब हम लोगों ने मौके पर जांच की तो एक दूसरा जो पक्ष है इम्तियाज अहमद का, वो आपको आरोपी बना रहा है। और जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे एक पार्टी बंदी वाला पूरा मामला समझ में आ रहा है। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि नहीं, अखिलेश भैया ने कोई जबरदस्ती साइन नहीं कराए और दूसरी पार्टी के लिए अखिलेश भैया ने डरा धमका कर साइन कराए, तो इसमें क्या कहना चाहोगे भाई साहब? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे कोटेदार हैं इम्तियाज अहमद, उनके पास में 429 कार्ड हैं। 429 कार्डों में उन्होंने किस प्रकार से अब उठा लगाया, क्योंकि कोई आदमी इच्छुक नहीं था। उनके इच्छुक क्यों नहीं था कि उनके पास गल्ला लेने के लिए जाएं, वो 4 किलो प्रति यूनिट गल्ला देते थे। ये 25 सालों से चला आ रहा है। 25 सालों में इनकी 8 बार दुकान निलंबित हुई है, 4 बार दुकान निरस्त हुई है, और इसके बाद भी दुकान बहाल होती। क्यों? क्योंकि उन्हें पैसा इतना, भाई पैसे वाले हैं तो पैसा देंगे, और पैसे से ही दुकान बहाल हो जाती है। इसलिए अब हम इस स्टेज पर पहुँचे कि जब हम उसकी दुकान को कुछ होने ही नहीं है, बार बार बहाल हो जाएगी, तो हम ग्रामवासियों को ये कहना है कि जब 1x1 राशन कार्ड हो गया है तो मैं उसकी दुकान पर गल्ला नहीं लेना चाहता हूँ। हमें किसी भी संबद्ध दुकान जो गाँव में है उस पर गल्ला दिया जाए। और अगर इसमें दुकान में जो नियम है 300 कार्ड से कम अगर दुकान कार्ड धारक होते हैं, दुकान को खत्म किया जाता है, तो इनके पास 300 कार्ड धारक नहीं है, इनकी दुकान को खत्म करके नई दुकान जो बनी है उसको दिया जाए। और ये तो पुरानी मिसाल आ गई है कि लोगों को जबरन गुलामी के तरीके से उनको जबरन यही अंगूठा लगाना पड़ेगा। मैंने जिला पूर्ति अधिकारी से बात करी, उन्होंने यही बोला कि आप इस बार वहीं ले लो। आरोप लगाया गया है कि जबरदस्ती गुंडागर्दी से साइन करा लिया गया उस कागज पे। क्या जनता ने साइन किए कि नहीं किए?